असल शरासू से मैं हूँ अब्दुल्कम सिदीक और आप हैं एक यू एस के साथ जैसा कि गुज्तर रोज़ एक यू एस लाइव में हमने कहा था कि अजर सदीक एडवोकेट एक नए प्रोसिक्यूटर नैब की तरफ से लंदन अपार्टमेंट केस में पेश हो रहे हैं और वही हुआ जैसा कि हमने कहा था कि वो आएंगे और आकर के वक्त मांगेंगे इससे पहले कि वो वक्त मांगते हाई कोर्ट ने कहा ठीक है हम चार हफ़्ते के लिए समात मुलतवी करते हैं और फिर उसके बाद जैसे आमिर फारूक का कहना था कि चार हफ़्ते के बाद जो है दोनों वकला के मुताबिक जिस तरह से कहेंगे इस केस की मैनेजमेंट करेंगे अगर कहेंगे टू डे डे टू डे सुन लेंगे या जैसे भी आप कहेंगे फिर उसके मुताबिक जो है हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आ, दूसरी तरफ जो है वो एक और अहम चीज़ हुई है कि जस्टिस उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब से उन्होंने उहदा संभाला है और दो हफ्ते से जायद का वक्त अब हो गया है उन दो हफ़्तों के अंदर कौन कौन से अहम मुकदमा लगे और ऐसे कौन से अहम इकदाम थे इसके अलावा जो कि जस्टिस एजाज अहसन साहब को गुज्तर रोज़ पाँचवें नंबर पर सीनीटी में होते हुए तकरीबन बारह से जायदेदारियाँ अदा की गई हैं नासिर साहब आपके ख्याल में ऐसी क्या वजह है कि जस्टिस एजाजल अहसन उनको इतनी सारी जिम्मेदारियाँ एकदम दे दी इतना बर्डन क्यों कर दिया उनको कईम साहब आप एक तो बेंच में अगर आए ना तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा अच्छा। आप बेंच, डिफरेंट बेंचेस चल रहे हैं इजाजुल साहब कौन को को से बेंच में मुझे आना चाहिए हर बेंच में बैठना चाहिए अच्छा हर बेंच में एक ही वक्त में कैसे बैठ सकते थोड़ थोड़ी है? थोड़ी के बाद मतलब आप पहले कॉजलिस्ट देख लेना कि कौन सा किस बेंच में कौन सा केस है उस टाइम पहुँच जाए अच्छा केस लिस्ट में लगते हैं उसमें पता लगता है कि कौन सा क्या अच्छा ठीक है आपने जो सवाल किया देखें ये तो चीफ जस्टिस की डिस्क्रप्शन है कि वो जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस किस्म की भी दे दें लेकिन इसमें जो सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान बार काउंसिल की जो डिसप्लिनरी कमेटी के जो चेयरमैन उनको बनाया गया वो ये बहुत अहम आपको पता है कि बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं लॉयर्स के बारे में लिटिगेंट्स की तरफ से किमूम यही होता है ज़्यादातर के जो केसेस ये होते हैं कि उन्होंने हमसे पैसे लिए उन्होंने प्लीट सही तरह नहीं किया या आए नहीं या जजमेंट्स पे रहे या अपना एसोसिएट भेज दिया इस तरह के कंप्लेंट्स आती हैं अच्छा तो उस वो एक डिसप्लिन कमेटी है पाकिस्तान बार काउंसिल जो सबसे बड़ी बार है पाकिस्तान की उसका जो डिसप्लिनरी कमेटी के वो हेड हैं जो कि ये मेखल में, में ये अच्छी खासी आ, स, क्या इससे क्या फायदा होगा मतलब वो उनको बना दिया है तो फिर वो क्या क्या उसका फायदा क्या देखिए हम मैं तो ये होप कर रहा हूँ कि ये आपको पता ये ऑलमोस्ट और, डोरमेंट थी डिसप्लिन्री कमेटी इसकी मीटिंग्स गायब भगहे बहुत ही रेयर होती थी हमेशा कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो डिस कमेटी का चेयरमैन होता है। इसमें तो कोई बड़ी बात मैं नहीं। ये होप कर रहा हूं कि अब ये दुबारा एक्टिवेट होगी। आप सब आप ये होप कर रहे हैं कि ये दोबारा एक्टिवेट होगी और वकीलों के खिलाफ जो पेंडिंग है उनमें वकीलों है। के लाइसेंस जो है वो सस्पेंड होना शुरू हो जाएंगे लाइसेंस सस्पेंड होना जरूरी नहीं है लेकिन ये केस तो सुनना चाहिए ना लिटिगेंट्स की तरफ से है ना कोई दुश्मन ने तो नहीं की हुई ना उनके लिटिगेंट्स अच्छा, ये तो चार चार सीनियर जजिस में कोई आ, उनको ऐसा नहीं लगा कि पांचवें पे वो चले गए अच्छा ये बताएं जस्टिस मकबूल सीनियर है ना हाँ। तो वो जल्द रिटायर हो जाएंगे तो उसके आ, दो दो दो। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि काजी नाजीफाजी हैं दो मतलब देखें देखेंटी को अगर हम देखें चीफ जस्टिस के बाद काजी काजीफाई साहब मकबूल बाकर साहब और फिर उसके बाद सरदार तारिक मसूद और फिर जाके जो है वो एजाज साहब मैं देखें मैं तो अंदर नहीं बैठा ना लेकिन मुझे ये, मैं ये कह सकता हो मतलब मेरा ये ख्याल है कि ज़रूर पूछा गया होगा दूसरे जजेस से भी कि उनसे कंसेंट ली गई होगी कि अगर आप क्या कहते हैं तो मेरे ख्याल में नहीं मिली होगी कंसेंट ये मेरा मैं कर रहा है, कर रहा है तो ये असनाद सब, आप मतलब चल सकते नहीं सकते ठीक है बात असनाद आपने भी आज स्टोरी दी है इसके ऊपर तो आपको क्यों इसमें अचंबा लगा मतलब अगर हम ये उम्र था बंदियाल साहब की दो हफ्ते के तकरीबन हो गए अब इसमें देखें सारी चीज़ों में तो कौन कौन से अहम एक और अहम मुकदमा भी वैसे वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वाला हुआ है अच्छा तो वो आ, क्यों आपके ख्याल में जैसे इजाजुल लैस, इजाजुल एहसन साहब पाँचवें नंबर से इन जिम्मेदारियों या ये, ये, जूनियर मोस्ट जज को ये चलो यार भर्तियाँ करनी है ये करना है एडमिन का काम है ऐसे लेबोरियस काम है चलो पाँच नंबर पर भेज देते नहीं मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस अमूमन ये भी होता है कि जिसके साथ ज़्यादा कम्फर्ट हो तो ये वैसे जस्टिस एजाजम के साहब की आप खसूसियत देखें ये जो कि वो साकिब निसार साहब जो ही वो अब सुप्रीम कोर्ट में लिवेट है वो साकिब निसार साहब के सबसे करीबी वो रहे बेंच में भी रहे और भी जब भी वो दौरे अगर कब निसार ने किए डैम के हवाले से या जल्सा मुतासरी के वाले से या जो भी तो एजाजन साहब इवन जब डिवीजन बेंच भी लाहौर में था तो एजाजन साहब बेंच में रहे फिर आसिफ सिंह खोसा साहब ने भी पब्लिक इंटरेस्ट मैटर में भी जो है इनको बिठाया मुख्त मामला में स्कूलों की फीस वाला मामला या वो टैक्स जो मोबाइल फ़ोन का जो मामला था या और दो चार जो मामला वो वाला नोटिस जिसमें एक सौ अरब रुपए का पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटी नुकसान हुआ जो वो, रिकवरेबल वो नहीं है जी और जो हाँ के वो, जो खारिज कर दिया स्टे कर दिया लेकिन फिर खारिज कर दिया लेकिन उसमें उन्होंने एडिशनल नोट लिखा साहब का और खोसा साहब का नोट था तो फिर गुलजार साहब का टाइम आया तो गुलजार साहब के टाइम पे तो वो मुस्तकिल तकरीबन आप कहें कि सेवेंटी फ़ाइव परसेंट आप कहें कि के जो केसेस गुलजार साहब ने जो मामलात सेवेंटी परसेंट जो उनमें जो है वो बेंच वन में ही रहे हैं एजाज अलहसन साहब इवन एक ज़िम्मेदारी से मैं कहूँगा कि एक बार के रिप्रजेंटेटिव गए Uh, um, क्योंकि एजाजन साहब का व्यू बड़ा सख्त है uh, सर्विस मैटर में रिलीफ गिविंग उतना नहीं जितना वकील समझते हैं वकीलों को थोड़ी परेशानी होती है तो एक वकील बार के रिप्रेजेंटेंट सीनियर बार रिप्रेजेंटेटिव वो गुलजार साहब के पास गया है कि जी आप बेंच वन में और किसी जज को नहीं बिठाते तो उन्होंने गुलजार साहब ने कहा कि नहीं यार और चीज़ें भी हैं मेरा बर्डन बड़ा शेयर करते हैं एजाज अल साहब तो ये एक चीज़ है कि वो मेहनती हैं बर्डन शेयर करते हैं बर्डन फिर बन्दयाल साहब के साथ उनका लाहौर से एक अच्छा तल्लाक है लाहौर से इकट्ठे रहे हैं क्योंकि जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मंजूर अहमद मलिक ये कलहदा मतलब मंजूर अहमद मलिक साहब ने सारे अपने जो मामल थे वो इनके सपोर्ट किए थे मंसूर अली शाह तो बन्दियाल साहब जरा ज़्यादा कम्फर्ट है एजाजन साहब के साथ तो मेरा ख्याल है वो भी वजह है लेकिन वो जो प्रसप्शन थी जन्मदे है कि वो ये सुप्रीम कोर्ट में लग ये रहा है कि अभी भी वो डिवाइड मौजूद है और जो एक धड़ा है वहां ही वो ही सुप्रीम कोर्ट चला रहा है ये परसेप्शन है या मिस परसेप्शन ये बन रही है उसको दूर करने के लिए भी कोई एफर्ट मुझे नज़र नहीं आई कोई चीज़ क्योंकि बेंच अगला रोस्टर भी आया है तो काजी फाइसा साहब डिवीज़न बेंच है उनके साथ तीसरा जज नहीं बिठाया गया जो नेचर ऑफ नेचर ऑफ केसेस लगाए गए बेंच नंबर टू में वो भी ऐसे हैं इवन अब जस्टिस याहियाी से पूछ आप जैसे गादी फाइजर साहब की बात कर करें या ही अवरीदी साहब से यानी पूछे कि जो जिस नेचर के केस लग रहे हैं एक ही नेचर के वो जो अमून वगला कहते हैं दो मरले पाँच के केस हाँ तो जो सारी. एक एक दफ़ा फरवरी में लेटर लिखा था काजी काजीफाई साहब ने गुलजार साहब को कि जी आपको भी पता है मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर मैं करता रहा हूँ बुलुस्तान एज ए वकील भी करता रहा हूँ तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर या लीगल मैटर जो जिनमें कोई कानूनी नुकते हों या जो इस तरह आ, बहुत मामला हों तो उनमें गुलजार साहब ने भी उन पर नहीं बिठाया इवन उन्होंने तो आर्डर कर दिया जिसमें एजाजन साहब और बंदियाल साहब ने इंडोर्स किया कि जी पी एम रिलेटेड केसेस में काली साहब को नहीं बैठना चाहिए और वार्डर फी, बिल्कुल अब ये है कि बैच नंबर टू क्यों दो -फील्ड है? उसके खिलाफ लोचिट बाहर की वो रिव्यू भी आया हुआ लेकिन वह भी गुमशुदा मुकदमा में देखिए बैच नंबर टू अभी तक जो है ना उसमें केस कोई जिसे कहें ना कि कोई वो पब्लिक इंटरेस्ट या जो एक कहें कि जी जो इंपॉर्टेंट आप का, कानूनी नौकर जिस तरह बेंच फाइव में केसेस लग रहे हैं हर रोज आजकल आपको पता है मीडिया का फोकस ये होता है कि बेंच फाइव में क्या केस इवन जो केस आ, जो है जिन पर नंबर नहीं लगे वो भी बेंच फाइव में लगे हैं आ, कल भी बताया जा रहा है कि जो है वो मुनाल वाला केस भी था तो जैसे मुनीब अख्तर रिलेक्टेंट थे वो उन्होंने जो है वो न, आ, न, आ, स्टे नहीं दिया उन्होंने कहा जी सुन के सुन देंगे तो फिर मामला एक हफ्ते के लिए एड्डन हो गया अब ये ना हो कि पिछली दफ़ा जब ये हुआ कि गुलजार साहब ने वो तीन रुकनी बैंक था तो

तो उम्रता बंदयाल साहब के बेंच में कौन कौन से अहम मुकदमात जो हैं वो लगे हैं आ, अब तो इस हफ्ते तो नैब की बहुत सारी बेल कैंसलेशन की अपीलें सारी की सारी तकरीबन जस्टिस चीफ जस्टिस के बेंच में थी कयूम तो साहब जो है कैसे सारे इम्पोर्टेंट होते हैं ये आपको अगर को कोई केस इंपॉर्टेंट नहीं लगता ना उसका यह मतलब नहीं है कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है हर केस इंपॉर्टेंट है और ये लिटिगेंट से पूछें कि उस उसके सामने उसके लिए वो केस कितना अहम है मैं आ, मैं सरेंडर कह मैं आपकी बात से बिल्कुल मतलब नहीं लेकिन एक केस है जिसमें कानूनी नुक्ता है बहुत जो हजारों अरब मतलब लोगों को करोड़ों लोगों के लिए लार्जर एक मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट जो सेंसिटिव इशू है, आ, है। वो सेंसिटिव इशू की हम बात कर रहे हैं सेंसिटिव इशू कोई नहीं होता कोर्ट के लिए सारे केसेस एक बराबर हैं और जो जो आम लिटिगेंट है ना वो स्टेक होल्डर है हम स्टेक होल्डर नहीं है या जो हमने यहाँ के बैठ के एनालिसिस करने वी आर नॉट स्टेक होल्डर जो लिटिगेंट है वो स्टेक होल्डर है आपने उसका केस पहले डिसाइड करना है और वो जो पेंडेंसी है उन्हीं की वजह से है अच्छा तो, आपकी आपने कल बड़ी अच्छी स्टोरी दी है वो एक था शख्स उसने बेल का मैटर था या कौन सा था वो बेल नहीं लगी लेकिन जब लगी तो पता लगा वो दो साल पहले फ़ौत हो गया वो वो क्या स्टोरी थी नासिर साहब वो कयूम साहब एक आ, लाल ख़ान साहब थे वो किडनैपिंग फॉर रेंसम के आ, हवाले से उनको मतलब अरेस्ट थे और वो दो दो हज़ार बारह से जेल में थे लेकिन उस दौरान उनको कैंसर हो गया था तो उनके जो वकील हैं अली इमरान उन्होंने बेल आ, मतलब एप्लीकेशन मूव की इनकी अर्ली हेयरिंग के लिए मूव की के इनको सुन के इनको इलाज के लिए आप आ, मतलब रिलीज़ किया जाए क्योंकि डीएचक्यू में जो रावलपिंडी में ना, है ना डिस्ट्रिक्टवाटर्स वहाँ भी उनको लेके जाया गया था जेल अथॉरिटीज़ ने तो साफ कह दिया था कि हमारे पास ऑनकोलॉजी की फैसिलिटी नहीं है ये और इन और ये बिगड़ता जा रहा है तो आप इसको डॉक्टर के पास लेके जाए तो बहरहाल उन्होंने उनको ज्यादा दी वो डी लेके गए डी ने भी हाथ उठा दिए फिर वो पिम्स लेके आए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उन्होंने भी कहा कि नहीं ये प्रॉपर जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाएं जाएँ तो उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन दी कि इसकी ये इसके हालत बहुत ख़राब हो रही है और आपको पता है आर्टिकल 187 में सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म का भी डिसीजन दे सकती है उसके पास कंप्लीट जस्टिस के लिए अथॉरिटी है तो उसने उनको वो कहा कि ये इन्वोव करते हुए इसको रिलीफ दिया जाए वो केस नहीं लगा

दो दफ़ा अली हेरिंग की रिक्वेस्ट दी गई जो कि वो मतलब उसका कुछ भी नहीं हुआ और जो कल केस लगा था वो जो दूसरी जो उनका एक को अक्यूज़ था अस्मतुल्लह उनका जो वकील उनके वकील साहब थे उनकी एक एडजमेंट की एप्लीकेशन आई थी कि के इस केस को एडजन किया जाए तो इस पर फिर वकील साहब ने कहा यानी कि अली इमरान साहब ने कि मैं एडजंड को अपोज नहीं करूँगा लेकिन मेरा क्लाइंट की डेथ हो चुकी है लेकिन केस को मैं फिर भी इसलिए परसू करूंगा कि जो ट्रायल कोर्ट है तो ना ये कोई अहम केस होगा ना तो मैं यही कह रहा हूँ सारे केसेस तो इतने से क्यों नहीं लगा देखिए ये तो यही तो पेंडेंसी बगयार का मसला है ना पेंडेंसी हाँ। है वही तो हैं बेंच में तो बैठ के सिर्फ एक ही केस सुनता पूरे दिन में नहीं सुनना चाहिए ना तो ये भी तो है ना तो उस वजह से पेंडेंसी तो हुई है पेंडेंसी तो है कुछ फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी टू थाउजेंड को क्रॉस केस लगाते थे छह महीने मतलब हाँ। साढ़े दस ग्यारह बजे केस बेंच खत्म आपको भी पता है कि इंटरनल क्या कुछ हुआ कि कुछ केस बेंचेस में बीस बीस केस लगे और कुछ जो है वो ग्यारह बजे ही खत्म छः सात केस लगे होते हैं तो ग्यारह बजे खत्म कर देता था, था और... हाँ, दो. तो ये वो सारी चीजें हैं फिर असल पे ये बात थी साहब की आप काउंसिल को सुन लें

आ, वो मुस्तसर क्या नाम मुस्तसर बिला वो जनरल इस्लाम अबासी बगावत केस जोन सा है उसके वो एक्यूज थे ठीक है ना वो भी 2000 की अपीलें पड़ी थी उनकी दरखास्तें पड़ी थी और वो आज 2022 के अंदर जो है वो

चले जी सुना साहब अब आप बताए नहीं बात यह है कि हम आपने पिछले एक प्रोग्राम के अंदर पता नहीं कोई एनिवर्सरी केक्स कुछ इस तरह की कोई बात की थी <laughs> नहीं वो तो बस ये है कि आप वो जो नासिर साहब कह रहे हैं कि जल्दी फैसले आ जाएंगे आने चाहिए वो भी यकीन से नहीं कह रहे एक बार हाँ यही बात है कि नहीं आ जाएंगे फैसले इन तो न, असल में बात यह है कि जब चीफ जस्टिस नए आए उम्र बंदयाल तो उम्मीद ये थी कि कोई फुल कोर्ट मीटिंग होगी कोई लमल जो है वो नज़र मतलब सामने आएगा कि कोई ऐसी चीज़ वो वैसे इस तरह चुपके से कोई चीज़ें हो रही हों रिफॉर्म हो रही हों तो अंदाज़ा नहीं है लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिस तरह खुदा साहब आए ना तो उन्होंने कोई दो चार लाल पहले एक मीटिंग में कहा यहाँ उनकी तकरीर क्योंकि वो इस तरह उन्होंने कहा कि बबूद आबादी का इशू जो है वो उस पर ज़्यादा फोकस आ गया हालाँकि वो बताया जा रहा है कि पेंडेंसी के पे उनकी है तोज्जो कि जी पेंडेंसी ख़त्म करनी है के, 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 इसको कम करना है ये वो उस से फोक... दूसरा था कि जी बड़े इम्पोटेंट जो वो हमिद खान साहब इल्जाम लगाते हैं ये जो भी कहते हैं कि जी गुलजार डक्टर इन बड़े बड़े केसेस को नहीं लगाया जाता था और वो ये था कि जी अब वो केसेस लगाए जाएंगे और वो जल्दी फैसला होगा सुना आ, तो यही है ये मेरा ख्याल है कि एक हफ्ता सजाद अली शाह साहब नहीं थे जस्टिस सजाद अली शाह वो कराची में थे नेक्स्ट वीक गलिब इम्कान है कि शोकत सदीक का केस जो उनका है पटीशन वो शौकत सदीकी साहब ने भी आज एक और दरखास्त दी है ना उन्होंने कहा कि डेढ़ साल पहले भी मैंने सुप्रीम जुडिशियल को दरखास्त दी थी के आ, उनके खिलाफ जो तीनों रेफरेंसेस थे उनका और अनवर कासी जो उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट थे उनका उनके खिलाफ जो रेफरेंस था उस रेफरेंस का रिकॉर्ड और ऑर्डर शीट्स जो हैं क्योंकि उनके इस मुतलक केस के अंदर बड़ी अहम वो एविडेंस है तो वो सर्टिफाइड कॉपीज दें जो कि उनको पहले भी नहीं दी गई थी डेढ़ साल पहले और अभी दोबारा उन्होंने दरख्वास्त दाखिल दूसरा एक और उम्रता बंजाल साहब ने एक परफॉर्मेंस जारी कराया सर्कुलर कि जी ये परफॉर्मा फिल करके आप अर्ली हेरिंग की दरख्वास्त दें और ये कि ग्राउंड कि क्यों अर्ली हेरिंग वो मैंशन करें और ये ये सारी पार्टी नेम और वो ताकि वो जल्दी जल्दी डिसाइड हो ताकि वो अगर कोई मामला क्योंकि गुलजार साहब के टाइम पर ये बातें होती रही कि जी अर्ली हेरिंग की जो एप्लीकेशन आती थी वो इग्नोर हो जाती थी और टेकअप नहीं होती थी तो अब यही आया कि भाई वो जो भी एप्लीकेशन का परफॉर्मा है वो सामने आए ताकि जो केस जो अर्ली हेरिंग आए और जिसमें कोई ग्राउंड है कि केस बनता है कि जल्दी लगाया जाए तो वो लगाया जाए

अब जेल पटिशन के लिए जो ये था कि आसिफ सईद खोसा जब चीफ जस्टिस थे, थे तो दो बेंच थे जो एक उनका जो क्रिमिनल अपील सुनता था एक बेंच था मंजूर अहमद मलिक साहब का जो जेल पटिशन ताकि जल्दी क्रिमिनल साइड पे जो है डिस्पोजल हो और वो वो गुलजार साहब ने उस तरफ तो बिल्कुल कोई आ, उस तरफ जे वो जो क्रिमिनल केसेस के लिए वो बेंचेस स्पेशल बेंचेज नहीं बनाए अब गालिब इम्कान है कि वो चीज़ें बने क्योंकि जो स्टेट काउंसिल हैं उनसे जब बात हो तो वो कहते हैं कि जी जेलों से फ़ोन आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चार चार साल से जो है वो केस आ, हमारी पटिशन पेंडिंग है जो सब मौत उम्र कैद गए कोई ऐसे हैं जो जिनको बरी हो जाते हैं अब कल परसों एक केस हुआ है तेरह साल बाद बंदा बरी हुआ है तेरा साल कैद के बाद बरी हुआ तो ये बात भी है फिर आखिरी दफ़ा जस्टिस कादी फाइसा ने कहा कि जी ये जो जेल पटिशन है ये तीन रुकनी बेंच बनाए ताकि वो फाइनल फैसला भी अगर कर ले ऐसा ना हो कि दो रुकनी होता है आ, तो फिर एक क्रिमिनल अपील और फिर बनती है और फिर तीन रुकनी बेंच बनता है तो इस वाले तो ये वो चीज़ें हैं अभी तक स्ट्रेटजी जो है वो कोई नजर इस तरह नहीं चीज़ आ रही कोई, कोई और वो है। 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 और फुल कोर्ट मीटिंग भी नहीं हो सकती है दो हफ्ते हो गए हैं और फुल कोर्ट मीटिंग भी नहीं हो सकी है ये जस्टिस सजाद अली शाह साहब आ जाए तो शायद हो जाए लेकिन बात वही है कि जेल पटिशन है उसको प्रायोरिटी जरूर मिलनी चाहिए वरना फिर वही होगा जो लाल खान के साथ हुआ कि उनका वो उनकी डेथ हो गई और बाद में उनका केस आया फिर मरने के बाद अगर इन लोगों को इंसाफ मिले तो फिर तभी तो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड और हम तो करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मुकदमात का तुमार है उस हवाले से अदालत में ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि जल्द अज़ जल्द मुकदमात फैसल हों उनके फैसले हों और अदलिया पर आवाम का अतमाद जो है वो ज़्यादा बढ़ता चला जाए शराद सूस अब्दुल्कम शैकी को एक लाइव से इजाज़त दीजिए राम